तो मैं भी तो पॉलिटिकल हूँ भाई, मैं चुनाव लड़के जीत के बकायदे से एक सदन का सदस्य हूँ। मैं तो भाई एक अकेले अपने पार्टी का सदस्य, मुझे तो भेजा गया, मैं आया हूँ। मैं समझाने प्रश्न समझ में आया आपका, देखिए राजनीति में जब हैं तो उसमें कुछ भी संभव है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स। अच्छा निर्दल से बड़ा कोई दल नहीं होता जी, निर्दल ही तो असली दल है। इसको आप जदयू की पार्टी क्यों करें, क्यों नहीं कहते सलीम परवेज साहब की पार्टी है, उन्होंने अपने दोस्त को बुलाया है तो दोस्त को जहाँ बुलाएंगे वहाँ जाएंगे, तो कोई बात ही नहीं, ये तो जहाँ बुलाएंगे वहाँ जाएंगे। और इससे कोई पार्टी से कोई मतलब किसी से नाराजगी नहीं है, और किसी से मैं राजी भी नहीं हूँ। मैं तो भाई स्वतंत्र हूँ यार, तो स्वाधीन मनुष्य की इच्छा के आगे पहाड़ हिल सकते हैं, रोटी क्या है, अंबर वाले सारे सिंगार मिल सकते हैं, तभी तो स्वाधीन है हम, मजा लेने दीजिए। अभी हमेशा अमन और मोहब्बत की मैं दुआ करता हूँ, हमेशा ही अमन और मोहब्बत का पैगाम देता हूँ। देख सकते हैं कैमरे पर जीतन राम मांझी अभी आपको नजर आ रहे होंगे, और ये दावते इफ्तार में जीतन राम मांझी आ गए हैं। और सर जदयू से इफ्तार पार्टी में पहुंचे हैं, क्या बिहार वासियों के लिए कामना कर रहे हैं? बिहार वासियों के लिए अमन और चैन की बात कर रहे हैं, प्रगति हो बिहार। और जिस प्रकार से नीतीश जी के कर कमलों से 15-16 वर्ष से सरकार चल रही है और बिहार सुशला और आगे अब सच हमने ठीक ढंग से बिहार चले और हिंदुस्तान में भी शांति कायम रहे, आपस में कोई मतभेद नहीं हो, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, इसी के लिए अमन के लिए हम लोग दुआ मांगने के लिए आए हैं। ताज बता दें जदयू की तरफ से रखी गई इफ्तार पार्टी में जीतन राम मांझी भी पहुंचे हुए हैं, और जीतन राम मांझी के साथ साथ दानिश रिजवान भी नजर आए, और खबर यह भी है कि जिस तरीके से तेज प्रताप यादव को भी बुलाया गया है, मामला धीरे धीरे तुल पकड़ने लगा है। जदयू के द्वारा रखी गई यह इफ्तार पार्टी राजनीतिक मायने में भी काफ़ी खास बताई जा रही है, क्योंकि इसमें उन्हीं लोगों को बार बार मैं कह रहा हूँ बुलावा भेजा गया है जिनके विधान परिषद या फिर विधानसभा में एक भी सदस्य है, अन्यथा किसी भी ऐसे दल को नहीं भेजा गया है जिनके सदस्य वहाँ पर सक्रिय भूमिका में नहीं है। तो इसके लिए भी जदयू की तरफ से ये रखी गई इफ्तार पार्टी आरजेडी की तरफ से रखी गई इफ्तार पार्टी से काफ़ी अलग हो जाती है, और ऐसे में कौन कौन आता है इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, खास तौर पर कुछ ऐसे दल के नेता, कुछ ऐसे सक्रिय नेता जो अभी मौजूदा हालात के अनुसार बिहार के राजनीति में काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं, उन नेताओं पर, उन चेहरों पर सबसे ज़्यादा निगाहें मीडिया के रहने वाली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, नमस्कार।